आप देख रहे हैं नंबर वन डिजिटल न्यूज चैनल टीडी न्यूज, सच्ची और बड़ी खबर। नमस्कार, मैं हूं प्रिया और आप देख रहे हैं टीडी न्यूज पर हलचल। स्पॉन्सर बाय जी इंटीरियर पटना। आग के लपटों में झुलसी 18 जिंदगियां। पुणे के एक वाटर प्यूरिफाइंग केमिकल फैक्ट्री में लगी आग के लपटों ने 18 लोगों की जिंदगी अपने आगोश में ले लिया। कल दोपहर पुणे की परंगत के इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित एक फैक्ट्री में आग लग गई, जिसके बाद कई घंटों के मशक्कत के बाद दमकल ने आग पर काबू पाया, पर तब तक 18 लोगों की जिंदगी जा चुकी थी। आग लगने का कारण क्या है अभी तक इसका पता नहीं चल पाया है। पुलिस और जांच की टीम जांच में लगे हुए हैं। जांच कमेटी ने इस बात का पता जल्द लगाने को कहा है। दमकल कर्मियों के अनुसार उन्हें दोपहर 4 बजे आग लगने की खबर आई, जिसके बाद वे टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। उनका कहना है कि केमिकल फैक्ट्री होने की वजह से आग बहुत तेजी से फैल चुकी थी और धुआं बहुत ज्यादा उठ रहा था, जिसके वजह से अंदर जाने में काफ़ी तकलीफ हो रही थी क्योंकि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लिहाजा दमकल कर्मी बाहर से ही आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटे हुए थे। जिस वक्त आग लगी उस वक्त फैक्ट्री में 37 लोग मौजूद थे, जिनको जेसीबी से दीवार तोड़कर बाहर निकाला गया, मगर इस दौरान 8 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। आग की लपटें देर तक हवा में उठ रही थी, लेकिन आग से आसपास की बिल्डिंग ज़्यादा प्रभावित नहीं हुए हैं। पुणे का यह इंडस्ट्रियल एरिया मुसली तालुका में आता है। घटना के बाद स्थानीय पुलिस के साथ जांच कमेटी भी जांच कर रही है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आग लगने का क्या कारण था, फैक्ट्री में आग से निपटने के लिए उपकरण थे या नहीं, मजदूरों के बाहर निकलने के लिए कोई इमरजेंसी एग्जिट थी या नहीं। इन मामलों में फैक्ट्री के मालिक को भी थाने बुलाकर पूछताछ की जा रही है। कुछ लोगों का कहना है कि आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट हो सकता है। पुणे की यह घटना एक बार फिर मजदूरों की सुरक्षा में हो रहे लापरवाही को रेखांकित कर दिया है। इसके पहले भी कई बार मजदूरों की जान गई है। सरकार को जल्द ही मजदूरों की सुरक्षा के हित में कुछ करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना को गंभीर बताते हुए मजदूरों की मौत पर दुख जताया है और मृतकों के परिवार को 2-2 लाख सहायता राशि प्रदान करने की बात कही है। आज के टीडी हलचल में इतना ही, देखते रहे टीडी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं परितोष कुमार। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश दुनिया की कोई खबर मिस न करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपके हक से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कंट्रोवर्सी की कोई न्यूज हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा टीडी न्यूज पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए टीडी न्यूज, सच्ची और बड़ी खबर।